आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की बहुत ही टेस्टी और ग्रेवी सब्जी, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। ये बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसको टिंडा अगर नहीं पसंद होगा, वो भी टिंडे की सब्जी खाने लगेगा इस रेसिपी से बनाने के बाद। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ टिंडा लिया है। मैंने इसको एकदम बारीक कट करके ले लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ये सारा टिंडा डाल देती हूँ। मैंने अच्छे से धो के अच्छे से बारीक कट करके ले लिया है। अब इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक उबाल के लूँगी। एक उबाल आने तक इसको मैं उबालूँगी। अब मैं गैस पे कढ़ाई रखा है, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला हुआ है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन और टमाटर और प्याज, मैंने कट करके रखा था। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। आप अपने हिसाब से मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मेरा टिंडा मैंने कट करके रखा था, उसी हिसाब से मैंने 2 छोटे साइज़ का प्याज कट करके रखा था, और टमाटर मैंने 2 छोटे साइज़ का कट करके रखा था, और लहसुन मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ में लिया है लहसुन का कली। अब मैं अच्छे से इसको भून लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको भून लिया है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है। अभी मैं इसको मिक्सर के पार्ट में निकालूंगी। मैंने निकाल लिया है अभी मिक्सर के पार्ट में। अब इसको मैं बारीक पीस करके ले लेती हूँ। अब ये टिंडा उबल चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में छान लूँगी। मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब थोड़ा ये ठंडा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। मैंने कढ़ाई में तेल डाला हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डालूँगी इसमें मैं। अब मैं इसमें डालूँगी एक मैंने छोटा साइज़ का आलू कट करके रखा था बारीक, वो डाल देती हूँ। पहले मैं आलू को अच्छे से भून के ले लूँगी। आलू को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी टिंडा। आलू को उबालने की ज़रूरत नहीं है, आलू आप ऐसे ही कच्चा ही कट करके डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर आपको आलू पसंद है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें तो भी चलेगा। जिसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेती हूँ। मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देती हूँ। अभी ये मैंने इसमें जो मसाला डाला था वो हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था मसाले के साथ, जो मैंने ग्रेवी पीस करके रखा था। अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी, 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी। आप अपने हिसाब से मसाला कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक पकने दूँगी। अब ये पक चुका है, मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मात्रा के हिसाब से ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसको ग्रेवी बनाना है, ग्रेवी सब्जी बनाना है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको मैं थोड़ा उबलने देती हूँ। अब ये उबल रहा है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। नमक को थोड़ा मैं पकने दूँगी 2 से 3 मिनट तक। देखिए मेरा टिंडे की सब्जी बनके तैयार हो गया है, मसालेदार। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ। आप ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, या तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं एक टुकड़ा। ज़्यादा नहीं डालना है, बस नाम मात्र का डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पका लेती हूँ। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। देखिए मैंने अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मेरा टिंडा का सब्जी बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इसको एक बर्तन में सर्व करूंगी। देखिए
मेरा टिंडे का ग्रेवी सब्जी बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।